जसवंतपुरा उपखंड क्षेत्र के पंसेरी गांव में दो दिन पहले ANM का मामला सामने आया जब उसका वीडियो वायरल हुआ। उसमें ये बताया गया कि राजकीय उप स्वास्थ्य केंद्र में सरकारी दवाई ना देकर प्राइवेट दवाई बेची जाती है और लोगों को लूटा जाता है। उसके बाद में ANM के बेटे ने रणछोड़ा राम पुरोहित को फोन करके गाली गलौज की और उसके साथ ही फोन में कहा कि मैं पुलिस वाला बोल रहा हूँ, तुम कहाँ हो, तेरे घर पर आ रहा हूँ, इस तरीके की भाषा का प्रयोग किया गया। इसी मामले को लेकर पंसेरी ग्रामीणों ने चिकित्सा अधिकारी को किसी भी हालत में ANM का ट्रांसफर करवाने की मांग की और समस्त ग्रामीण मौजूद रहे। चिकित्सा विभाग कब तक मौन बैठा रहेगा, ऐसे कानून को हाथ में लेने वाले लोगों के खिलाफ कब तक कार्रवाई होगी, इसकी मांग की जा रही है। तो से गवर्नमेंट काम दिया बजा सरकारी दवा सरकारी दवा खाना नहीं आती आज नहीं पड़ता था कोई बहुत नहीं है गवर्नमेंट नहीं पड़ हाथ पड़े है कि भाई आ टीप मळे के नहीं मरती इन प्राइवेट जावे ओ गवर्नमेंट ने इसी चीज के आ मारता भी जो अच्छा ये गवर्नमेंट नो आवे ये गवर्नमेंट नो आवे नहीं आवे तो मैं बताऊ ठापड़े ही है पण सब ठा पड़े है भाई फोगट में आवे के पिया लियो को ठा तो पड़े है के नहीं पड़े दावी ली थी तमर हरवे नहीं थी ओदे कणा कोई कुणा बळियो तो बणा पण हमें कोई बड़े करे अपने दवा तो वही है। खबर भारत वर्ष के लिए पंसेरी से ओमपुरी गोस्वामी की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।